फिर से एक नई सुबह, एक नया दिन। एंड गाइस ये सब मेरे पास बोलने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है क्योंकि मुझे जल्द से जल्द जाना है एयरपोर्ट। अबे यार ये बंदा यहाँ क्या कर रहा है, जल्दी जा भाई, तू भी देखो भी चलना है मेरे साथ एयरपोर्ट, जा तैयार हो, अभी तक तैयार ही नहीं हुआ। ये देखो गाइस मैं सुबह से यहाँ पर तैयार होकर खड़ा हूँ लेकिन ये जेठिया यार ये मेरे को लेट करवा देगा बंदा। फटाफट चलते नीचे, क्या टाइम हो रहा है, ओ माय गॉड 2:30 बज गई है, 3:30 बजे पहुंचना है मुझे। मैंने अपने चलो बैग वैग भी सब तैयार कर लिए इधर, ये मेरा बैग है और ये लाल बैग जेठिया का है। ठीक है बागा को बोल देता हूँ घर का ध्यान रखना। ए बागा घर का ध्यान रखना। और एक सेकंड, ये तूने किसको बुला लिया, क्या बोल रहा है ये, मेरा दोस्त है। देखा गाइस मैं घर से जा रहा हूँ तो ये बंदे ने अपने दोस्त को बुला लिया, मालूम है मुझे बहुत ही कमीना आदमी, यहाँ पर पार्टी करेगा ये मेरे घर में। चलो ठीक है इसको करने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अबे जेठे जल्दी तैयार हो यार, क्या कहाँ मर गया ये बंदा यार। एंड बाबूजी पाए लगू प्लीज आशीर्वाद दीजिए क्योंकि मेरे साथ बहुत दुर्घटना होती है, तो प्लीज मुझे आपके आशीर्वाद की सख्त जरूरत है। तथास्तु। भाई जेठिया जल्दी कर। हाँ हो गया। ओ माय गॉड, अबे ये सूट तेरे पास कहाँ से आ गया भाई। यार गाइस इसकी मैं तारीफ नहीं करना चाहता लेकिन सही में यार ये बहुत अच्छा लग रहा है आज, ये बंदा देखो तो सही क्या महंगा सूट पहना है इसने, कहाँ से आया प्लीज मुझे जल्दी बता, पूछो मत इसमें तेरा घर चले जाएगा। अबे यार मुझे मालूम है गाइस ये मुझे इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि इसने जरूर गलत काम किया है कोई सा, तो तभी इसके पास ये चीज आई है। चलो ठीक है छोड़ो इसको, तो अपने को बहुत लेट हो रहा है, फटाफट अपन अपना बैग भी उठाते हैं यहाँ से। शिट भाई पानी चालू हो गया यार, जब भी मैं कुछ अच्छा काम करने जाता हूँ पानी को चालू हो जाता है, इतनी बारिश में अपना प्लेन उड़ जाएगा ना भाई, पता नहीं यार। छोड़ो यार जेठिया काम कर, ये ले तेरा टिकट पकड़। देखो गाइस ये हमारा टिकट है, नेम ऑफ पैसेंजर देखो केरियन जेठिया फ्रॉम बॉम्बे टू गोवा। ये एक्साइटेड ठीक है नहीं तू, जल्दी बोल। चलो भाई टैक्सी अपने इंतजार कर रही है, फटफट भागते हैं यार, ये पानी अभी तक बंद नहीं हुआ यार, जल्दी से पानी बंद हो जाए प्लीज। बैठे जेठिया फटफट, मुझे लगता है प्लेन बारिश में भी उड़ ही जाएगा क्योंकि हो सकता है उसमें ये कार जैसे वाइपर हो। अबे भाई कैसे चला रहा है गाड़ी, ढंग से चला, अभी स्टंट मत मार मर जाएंगे अपन। चलो भाई फाइनली टाइम पे पहुंच गया एयरपोर्ट। हाँ हाँ बस जेठिया रोक दे, अरे रोक दे ये, रोक भाई यहीं से जाना अपने को ऊपर। हाँ चलो अब मजा आएगा बिडू, फाइनली यार इतने दिन बाद मैं एयरपोर्ट पे आया हूँ, इतने दिन बाद नहीं ये तो मेरा पहला टाइम है एयरपोर्ट पे, वरना हम जैसे गरीब लोग कहाँ आते हैं इतनी बड़ी बड़ी जगहों पे भाई। अरे मार मत यार। हाँ मुझे मालूम है लेट हो रहे हैं अपन, वो तो गोवा के टिकट सस्ते हो गए थे ना इसलिए गाइस हमको मौका मिल गया, लेकिन अब कहाँ जाना है, बाप रे कितने भीड़ हो रही है इधर, इतने लोग आए भाई आज पता नहीं। एंड गाइस वो देखो वहाँ पर प्लेन, अरे एक से एक प्लेन खड़े हैं जेट फाइटर से लेकर, और देखो वहाँ पर शायद वो अपना प्लेन है शायद तक, वो तो यार मेरे को पता लगाना पड़ेगा लेकिन कहाँ है टिकट काउंटर, इस साइड है क्या, अरे इस साइड, ये रहा शायद अपने को यहाँ पर टिकट दिखाना है, शायद ये अपने टिकट काउंटर है। हेलो हेलो मैम। वेलकम सर टू आवर एयरपोर्ट, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। यार मैम हमारा ना पहला टाइम है यहाँ पर एयरपोर्ट पे, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ जाना है, ये देखो हमारा टिकट, एक बार अभी टिकट लो और बता दो कि कहाँ जाना है यार, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कौन आदमी भाग यहाँ से, अबे चल बे फटाफट टिकट दे, तू भी अपना जेठिया क्या कर रहा है। 15 मिनट वेट कीजिए सर, आपका प्लेन आने वाला है, जैसे ही आपका नाम आए आप अपने प्लेन में फटाफट बैठ जाइएगा। और जेठिया अपने पास अभी 15 मिनट बचे तो एक काम करते चल के वहाँ बैठते हैं। अरे क्या देख रहा है ये, क्या महक है, क्या बाल है, क्या सुंदरी है यार, देखो इसकी परवट गिरी यहाँ भी चालू हो गई है तेरी तो 12 की डेट, चल चल के बैठ चुपचाप इधर, क्या कर रहा है तू वहाँ पर, मरवाएगा क्या अपने को, बाहर फेंक देंगे यहाँ से इस हरकते करेगा तो। यार गाइस बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है जाने की। 15 मिनट्स लेटर। अरे यात्रीगण कृपया ध्यान दें, फ्लाइट नंबर 1206 टेक ऑफ के लिए रेडी है, कृपया जल्दी से जल्दी अपना सामान बांधिए और प्लेन में जाके बैठ जाइए, नहीं तो प्लेन आपको छोड़ के चला जाएगा। जेठिया मुझे लगता है ये अनाउंसमेंट अपनी ही थी, शायद अपना प्लेन रेडी हो चुका है, चल फटफट भागते हैं वरना प्लेन छूट जाएगा। शायद गाइस अपने को इस साइड ही जाना है। ओके फाइनली गाइस मैं पहुंच चुका हूँ, वो देखो ये रहा अपना प्लेन, वहाँ पर भी बहुत सारा प्लेन। अरे यार इन्होंने यहाँ पर सीटें क्यों नहीं दी, पता नहीं वहाँ पर भी ढेर सारे प्लेन है लेकिन शायद ये वाला प्लेन अपना है तो शायद अपने को यही जाना है। ठीक है कमॉन कमॉन जेठिया मजा आएगा अब तो यार, चल चल के बैठ जाते फटफट, फाइनली ये बैठ गया प्लेन के अंदर। फाइनली यार प्लेन के अंदर आ गए और भाई कितना बड़ा प्लेन है, वहाँ पीछे तक सीट है और लेकिन नहीं तो जेठिया पूरा खाली का खाली है, अपन तो कहीं भी बैठ सकते हैं क्यों, है ना। हाँ यार चले काम करते हैं, अपन विंडो सीट पकड़ लेते हैं। नहीं नहीं सर ऐसा नहीं होता है, आप अपना टिकट दिखाइए प्लीज। ऐसा नहीं होता है क्या? नहीं सर ये रूल के खिलाफ है, आप कोई भी सीट पे नहीं बैठ सकते हैं, आपको अपना टिकट दिखाना पड़ेगा। ये लो टिकट बता दो कौन सी सीट है हमारी। ओके सर आप पीछे आइए, आपकी क्लास ए की सीट है, मैं आपको बताती हूँ कहाँ बैठना है। चलो जेठिया अपन देखते हैं अपने को एयर होस्टेस कहाँ बोल रही बैठने के लिए, बताइए मैडम कहाँ बैठना है। ओके सर ये रही आपकी सीट, यहीं बैठ जाइए। अच्छा अच्छा यहाँ पर ठीक है हम बैठ जाते हैं। चलो भाई विंडो सीट मैं लेता हूँ। अभी क्या हुआ मार क्यों रहा है, क्या बोल रहा है ये, विंडो सीट मेरी है। अबे क्यों भाई तेरा नाम थोड़ी ना उस पे लिखा कोई यार,
अरे मार क्यों रहा यार, मार मत प्लीज। सर प्लीज पेन में फाइट ना करें। अरे मैडम मुझे क्यों बोल रही है, इसको बोलो ना जेठिया को, ये मस्ती कर रहा है। अरे यार क्यों मार रहा है भाई, मत मारे प्लीज, मत मार, मैं बैठूंगा, मैंने बोल दिया ना मैं बैठूंगा। सर प्लीज आप फाइट ना करें वरना हम आपको प्लेन से फेंक देंगे। अबे यार ये तो प्लेन से फेंकने की बात कर रही है यार। गाइस अपन जेठिया की बात मान लेते यार, वरना इसकी वजह से कोई मुसीबत नहीं हो जाए। चल रहे बैठ जा भाई। क्यों नहीं जेठिया, देखो मिल गया चैन, विंडो सीट करे जा रहा था, बिल्कुल बच्चों जैसे हरकते करता है। चलो मैडम फटाफट से अपने पायलट को बोलो प्लेन उड़ाए, हमको मजे लेना मजे। देखिए सर जी ये प्लेन आपके बाप का नहीं है, जो आपके मुताबिक हम इसको उड़ाए। कृपया करके चुपचाप बैठे रहे वरना आपको प्लेन से फेंक दिया जाएगा। भाई जेठा ये एयर होस्टल तो बहुत ही डेंजरस है भाई, अपन अपना मुंह बंद रखते हैं यार। कृपया पैसेंजर ध्यान दीजिए। अरे जेठा ये कुछ बोल रही है एयर होस्टेस, प्लेन बस 5 सेकंड में उड़ने वाला है, अगर प्लेन में कुछ भी तकनीकी खराबी होती है तो बचने के लिए 2 द्वार आगे हैं एंड 2 द्वार पीछे हैं। आपकी सीट्स के नीचे आपको पैराशूट मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप खुद ही लगा दीजिए, और अगर ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो आपको ऑक्सीजन मास्क भी मिल जाएंगे। और अगर इसके अलावा आपको कोई सवाल है तो आपके सवाल गए भाड़ में, क्योंकि प्लेन बस 5 सेकंड में उड़ने वाला है। अब आपकी जिंदगी पायलट के हाथ में है। भाई जेठिया प्लेन में आके अपन ने गलती तो नहीं कर दी? अरे केरी मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हाँ यार जेठिया मुझे भी डर लग रहा है, एक सेकंड रुक। मैडम जी। जी सर कुछ प्रॉब्लम है क्या? मैडम जी मेरे छोटे भाई को ना बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अरे सर एक काम करो, माउंटेन ड्यू की चुस्के लगा के बैठ जाओ चुपचाप, क्योंकि डर के आगे जीत है। पागल औरत। यार गाइस ये औरत कैसी पागल जैसी बातें कर रही है, मुझे यहाँ पर डर के आगे जीत नहीं दिख रही है, डर के आगे मौत दिख रही है भाई। यात्रीगण तैयार हो जाइए, अपना प्लेन 5 सेकंड में टेक ऑफ होने वाला है। तो पायलट विजय सिंह के साथ ये फ्लाइट जा रही है गोवा, सबको हैप्पी डे। ओके तो गाइस प्लेन हिलना चालू हो चुका है, आवाज भी आ रही है, लगता है प्लेन 5 सेकंड के अंदर लॉन्च होने वाला है। अरे हिल रहा है, अरे प्लेन हिल रहा है, अब मजा आएगा ना गाइस। तो गाइस अभी का सीन ये है कि अभी हम 25,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे हैं एंड पिछले आधे घंटे से हम हवा में ही हैं। सही में यार जेठिया मेरे को तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। एक सेकेंड ये क्या हो रहा है, ये इमरजेंसी अलार्म क्यों बजने लगे एकदम से, कुछ प्रॉब्लम हो गई क्या? अरे ओ एयर होस्टेस मैडम क्या हो गया भाई, कुछ तो बताओ, ये एकदम से इमरजेंसी अलार्म क्यों बजने लग गया? तभी यात्रीगण ध्यान दें, एक तकनीकी खराबी आ चुकी है, प्लेन का राइट वाला जो इंजन है वो फेल हो चुका है। ए, क्या हो गया? बाप रे राइट इंजन फेल हो गया, इसका मतलब जेठिया अपन टपक जाएंगे। अरे बचाओ कोई, बचाओ यार जेठी क्या करें अब? यात्रीगण सब्र रखे, राइट वाला इंजन खराब हो चुका है लेकिन लेफ्ट वाला इंजन अभी भी चल रहा है, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ओके अरे भाई ये बात पहले बतानी थी ना, जैसे टेंशन वाली बात नहीं है, लेफ्ट वाला इंजन अभी भी काम कर रहा है, अपन सेफ है। चलो भाई फिर से सीट पे बैठ जाते हैं। चलो जेठे तू भी बैठ जा, आगे वाली सीट पे बैठ जा, अभी इसको भी यहीं बैठना है। अरे बैठ जा ना भाई आगे वाली सीट पे। हाँ बैठ जा, इधर बैठ जा। लगता है ये औरत पागल हो चुकी है। अरे हाँ जेठे तू सही बोल रहा है, पता नहीं यार कैसी पागल वाली बातें कर रही है, 2 मिनट के लिए इसने मुझे डरा ही दिया था। अबे यार ये फिर से इमरजेंसी अलार्म बजने लग गया, लेकिन क्यों, अब क्या हो गया? अरे ओ अब क्या हुआ भाई, अब कौन सी गड़बड़ हो गई? यात्रीगण ध्यान दे, अब हमारा लेफ्ट वाला इंजन भी फेल हो चुका है, तो सब अपने मन में भगवान को याद कर लीजिए, क्योंकि जल्द ही आप भगवान के पास जाने वाले। गाइस ये क्या बोल रही है जेठिया, इसका मतलब अपन मरने वाले? अरे यार मैडम कुछ तो करो, क्या यार मैं बेवकूफ हूँ जो इसके अंदर आया, मुझे इसके अंदर आना ही नहीं था। क्या सस्ती एयरलाइन है यार ये लोगों ने अपने को चूरा लगा था जेठिया, तभी मैं सोचूं ये प्लेन के टिकट इतने सस्ते क्यों मिल रहे थे। अरे यहाँ पर ये देख डोरा द एक्सप्लोरर भी है, मैं इसका बहुत ही बड़ा फैन हूँ, मुझे इसका ऑटोग्राफ लेना था लेकिन अब वो भी ले नहीं पाऊंगा। यार क्या किस्मत है, मैं क्यों आया, अब क्या करें? और मैडम पैराशूट वगैरह है क्या? सर एक पैराशूट था, वो पायलट खुद लेके कूद गया, तो इसलिए टाटा बाय बाय। भाई जेठिया गए अपन तो गए, गैरी सब्सक्राइबर को आखिरी अलविदा बोल दो। ठीक है तो गाइस हमारे सफर बस यहीं तक था, अब शायद ही मिलूं मैं आपको। मैं क्यों आया यार, और ये लोगों को टेंशन क्यों नहीं हो रही, ये सब इतने शांति से क्यों बैठे भाई, लगता है इन लोगों ने अपनी मौत एक्सेप्ट कर ली है। गए भाई गए अपन जेठिया, ये जेठिया पनौती की वजह से भाई, मुझे इसको लेके आने नहीं था, इसको मारो, इसको प्लेन से फेंक दो तो शायद अपन बच जाएंगे। फेंको इसको यहाँ से, फेंक दो, अब हम सब मरने वाले हैं। मुझे लगा था कि मेरा सफर प्लेन क्रैश के साथ खत्म हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं था, बल्कि मेरा सफर तो चालू हुआ था। इधर हूँ मैं, क्या हुआ, मैं जिंदा हूँ कि नहीं या फिर स्वर्ग में पहुंच गया हूँ? अरे नहीं मैं जिंदा हूँ। ये देखो गाइस यहाँ पर कितनी सारी डेड बॉडी पड़ी हुई है, बाप रे बाप, सब मर चुके हैं क्या? लगता है सब खत्म हो चुका है, लेकिन मैं कैसे बच गया? लगता है बाबूजी के आशीर्वाद ने मुझे बचा लिया है। ये क्या हो गया, बहुत ही खतरनाक प्लेन क्रैश हुआ है, वो देखो मेरा बैग पड़ा उधर। चलो भाई ये तो फाइनली मिला मुझे, मेरे कपड़े वपड़े सब फट चुके, बहुत ज्यादा जख्म हो चुका है, जो सूट पहन के आया था वो भी पूरा खत्म हो चुका है।
पूरी बॉडी में जख्म हो चुके हैं यार। शेट, यहाँ पर सुअर भी मना पड़ा है। ये भी हमारे साथ प्लेन में सफर कर रहा था क्या? पता नहीं, लेकिन एक सेकेंड, सुअर से याद आया, जेठिया किधर है? जेठिया, ए मेरे भाई जेठिया किधर है तू? ओ शेट, यहाँ तो पूरा शमशान घाट बन चुका है। इतनी सारी लाशें, इतनी बदबू आ रही है। अब इन लाशों में मैं जेठे को कहाँ ढूंढूं? मैं तो बहुत ही किस्मत वाला निकला, इतने बड़े हादसा होने के बाद भी मैं बच गया। लेकिन जेठिया मेरे भाई किधर है तू? जेठिया मेरे भाई किधर है तू? अब इतनी लाशों में उसको मैं कहाँ ढूंढूं? मैं बाबूजी को क्या जवाब दूंगा? कहाँ है मेरे भाई तू? ये मैं कैसी जगह पर आ गया हूँ यार? यहाँ तो मेरे अलावा मुझे कोई भी नहीं दिख रहा है। लगता है ये कोई अबैंडन्ड आइलैंड है। मेरे अलावा इस आइलैंड पे कोई है क्या?